बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस लेक्चर ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4A डिटरमिनेशन ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट वी डिस्कस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नाउ परफेक्ट स्क्वायर real life word problems related to square root and solve question number 2 to 7 of exercise 4A word problems. Let us start exercise question number 2. Find the smallest whole number by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square. क्वेश्चन नंबर टू को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हमने एक ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो कि 512 को जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो 512 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 512 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसे हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सोल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हम। First we find the prime factors of 512 and then see which of them do not appear in pairs. सबसे पहले हम 512 के prime factors निकालेंगे। हम उसके prime factors निकालेंगे तो हम देखेंगे prime factors बनाने का, जैसे आप पिछले lecture में आप देख चुके हैं कि prime factors हम कैसे बनाते हैं, और उसको बनाने के बाद हम pairs बनाते हैं, दो दो का हम एक एक pair बनाते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई ऐसा number आएगा जिसका pair नहीं आएगा, जो pair में appear नहीं होगा, फिर हम असल में वही वो नंबर होगा जिसे हम 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। अब हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए 512 के प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लास्ट में इसके देखेंगे इवन नंबर आ रहा है, इट्स मीन ये 2 से ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, 2 2 4 हो जाएगा, तो क्योंकि ये 5 है 1 रिमाइंडर रह जाएगा, और रिमाइंडर जो हमारे पास जो 1 है वो इसके साथ आ जाएगा तो ये 11 बन जाएगा। तो 2 2 5 10 और 1 भी रिमाइंडर 2 के पास चला जाएगा और ये 12 बन जाएगा, तो 2 6 12। नेक्स्ट फिर ये 2 से होगा क्योंकि फिर इवन नंबर हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 एंड 1 रिमाइंडर जो रह जाएगा वो 6 के ऊपर कैरी चला जाएगा और 6 16 बन जाएगा, तो 2 8 16। नेक्स्ट फिर 2 से होगा, 2 6 12 एंड 2 4 8। नेक्स्ट फिर ये 2 से होगा, 2 3 6 एंड 2 2 4। फिर ये 2 पे होगा, 2 1 2 फिर 1 रिमाइंडर जो है वो चला जाएगा 2 के पास और 2 ये 12 बन जाएगा, तो 2 6 12 एंड देन फिर ये 2 से होगा, 2 8 16। फिर ये 2 पे होगा, 2 4 8। फिर ये 2 पे जा रहा है, 2 2 4 एंड नेक्स्ट 2 1 2। अब क्योंकि 1 आ गया लास्ट में, इसका मतलब है कि हमारे पास फैक्टराइजेशन, इसकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट में हम इसके पेयर्स बनाएंगे। 2 का देखें हमने पेयर बन गया। अब नेक्स्ट ये 2 2 लिए, इनका पेयर बन गया। नेक्स्ट में ये 2 और 2 इनका पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट में ये 2 और 2 इनका पेयर बन गया। अब ये जो 2 है ये आप देख रहे हैं कि ये सिंगल रह गया है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो लास्ट 2 डज नॉट अपीयर इन पेयर। तो ये जो लास्ट 2 है ये पेयर में अपीयर नहीं हो रहा। 512 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 512 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई 512 बाय 2 we get 1024 which is a perfect square number. तो 2 हमारा आंसर है। The smallest whole number is 2. Next question की तरफ हम आते हैं। Next question है हमारा question number 3. सबसे पहले हम question को समझ लेते हैं। Find the lowest number by which
21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, कोई ऐसा छोटा नंबर फाइंड करना है कि जिसे हम 21,168 को हम डिवाइड करें उस नंबर के साथ, तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, वही वाला प्रोसेस करेंगे कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इस नंबर के प्राइम फैक्टर में से हम फाइंड करेंगे कि कोई, हम जब पेयर्स बनाएंगे उन नंबर्स के, तो हम देखेंगे कि कोई बीच में सिंगल नंबर जो बच जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, तो वही हमारे पास लोएस्ट नंबर होगा कि उस नंबर को हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो यही नंबर हम देखेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। हम लोग इसका प्राइम फैक्टर्स उसी तरह से निकालेंगे। आप, हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, ये नंबर हम लोगों ने लिखा। अब हम इसके लास्ट पे देख रहे हैं 8 आ रहा है, इट्स मीन ये इवन नंबर है, तो ये हम इसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 वन जा 2 हो जाएगा हमारे पास, आगे हमारे पास 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 फाइव सा, क्योंकि ये अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 वन जा 2, अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो आगे 1 आ रहा है, तो 1 जो है वो स्मॉल नंबर है, तो हमें जो है वो इधर साथ में 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम कह रहे हो स्मॉल नंबर हो नेक्स्ट, तो हमें 0 ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। अब हम आगे हमारे पास हम इनको 11 को लेंगे, तो 2 फाइव सा 10 करेंगे, तो हमारे पास 1 जो है वो बच, रिमाइंडर बच जाएगा, और 1 जो है वो कैरी जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा 16, तो हम क्या कर देंगे, 2 एट सा 16, और नेक्स्ट है हमारे पास 2 फोर सा 8। अब दोबारा इवन नंबर है, तो हम फिर इसको 2 से करेंगे, तो 2 फाइव ज़ा 10 आ जाएगा, एंड 2 टू ज़ा 4, 1 फिर रिमाइंडर बच जाएगा जो कि 8 के पास चला जाएगा, और 8 बन जाएगा 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 नाइन ज़ा 18, एंड देन 2 टू ज़ा 4, फिर हम ले लेंगे, फिर ये इवन नंबर आ रहा है 2 से ही होगा, 2 टू ज़ा 4, 1 रिमाइंडर जो है वो 2 के पास आ जाएगा, और ये 12 बन जाएगा, 2 सिक्स ज़ा 12, फिर आगे फिर 9 आ रहा है, 2 फोर ज़ा 8, और 1 रिमाइंडर जो है वो 2 के पास आ जाएगा, और ये 2 बन जाएगा 12, तो 2 सिक्स ज़ा 12, ये फिर इवन नंबर आ रहा है, इसको हम 2 से ही करेंगे, 2 वन ज़ा 2, और 2 थ्री ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4, एंड 2 थ्री ज़ा 6। अब हम देख रहे हैं कि इसके लास्ट में 3 आ रहा है, अब नेक्स्ट में फिर ये 3 से हो रहा है, क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट में, अब हम 3 से करेंगे इसको, 3 फोर ज़ा 12, और 1 जो है वो रिमाइंडर जो बचा वो 2 के पास चला गया, फिर 3 फोर ज़ा 12, और 3 वन ज़ा 3, अब फिर ये 3 से होगा, 3 वन ज़ा 3, 1 रिमाइंडर जो है वो 4 के पास चला गया, 14 बन गया, 3 फोर ज़ा 12, और अब रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो वो 1 के पास जाएगा, 1 बन जाएगा 21, 3 सेवन ज़ा 21, अब फिर ये 3 से हो रहा है, 3 फोर ज़ा 12, और 2 जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7 के पास जाएगा, तो 27 बन जाएगा, 3 नाइन ज़ा 20, 3 नाइन ज़ा 27, अब जो है ये 7 के ऊपर जा रहा है, 7 सेवन ज़ा 49, अब 7 वन ज़ा 7, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है। अब हम इनको राइट करते हैं, इनके सारे फैक्टर्स को पहले हम देखते हैं इसके, इस नंबर के, तो हमारे पास ये सारे हमने लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हम इसके पेयर्स बनाते हैं, 2 का पेयर बना दिया, अब इनका पेयर बन गया 2 2 का, अब ये 3 3 का पेयर बन गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है ये सिंगल है, हम नेक्स्ट 7 पे आ जाते हैं, क्योंकि 7 2 टाइम्स है, तो 7 का पेयर बन जाएगा, 3 इज द नंबर विच डज नॉट अपीयर इन पेयर, ठीक है, अब ये 3 जो है ये पेयर में अपीयर नहीं हो रहा, तो हम इधर देख लेते हैं कि 3 डज नॉट अपीयर इन पेयर, तो इसका मतलब है कि 3 ही वो लोएस्ट नंबर है, वो नंबर है जिसे हम 21,168 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये नंबर जो है ये एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 3 पे, तो हम ये देखेंगे कि जब हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 7056, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। द लोएस्ट नंबर बाय विच 21,000
168 मस्ट बी डिवाइडेड इज 3, सो आंसर इज 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15,876 एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। अब वो कह रही है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, जब उन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कह रहे हैं कि आपके पास एक नंबर आएगा 15876, ये नंबर आ जाएगा। एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, आपने दोनों नंबर खुद फाइंड करने हैं, ठीक है। एक नंबर आपने खुद फाइंड करना है तो उसे हम खुद से लेट कर लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ हमें नहीं पता तो उसे हमने खुद से लेट करना है। तो हम जो फर्स्ट नंबर है उसे खुद से लेट कर लेंगे, लेट द नंबर एक्स। अब वो कह रहे हैं कि जो दूसरा नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो उससे बड़ा वाला है और 9 टाइम्स बड़ा है, ठीक है, 9 टाइम्स बड़ा है, तो इसलिए हम दूसरे को लिखने के लिए कर देंगे 9x, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। वही जो मैंने भी आपको बात समझाई है कि लेट द फर्स्ट नंबर हम खुद से लेट कर लेंगे, एक्स है, और जो सेकंड नंबर है, अदर नंबर है, वो 9x है, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये हिंट दे दिया कि वो 9 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। तो 9 टाइम्स किससे बड़ा है, एक्स से बड़ा है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 9x। अब हम जो हमें बताई गई या ऊपर वाली जो स्टेटमेंट बताई गई है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, अब हम उसको लिखते हैं, ठीक है। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, अब वो कह रहे हैं कि दो नंबर तो हमने ले लिए, एक हमने एक्स ले लिया और एक हमने 9x ले लिया। अब वो कह रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 9x। और वो कह रहे हैं कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये नंबर आएगा, जैसे कि हम इसको कैसे राइट करते हैं गिवन कंडीशन के मुताबिक, एक्स मल्टीप्लाई बाय 9x, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15876 ये नंबर आ जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ x है और दूसरी तरफ 9x है, ठीक है। तो इधर हमारे पास x के साथ नंबर जिसके साथ कोई भी ना हो तो हम खुद से कहते हैं कि इसके साथ 1 है, तो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। और x आगे हम लेंगे, अब इसमें क्या होता है कि इनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं। अब x के साथ आप देख रहे हैं कि कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है कि इसके साथ 1 पावर है, इस x के साथ भी 1 पावर है और इसके साथ भी 1 पावर है। तो हम इन दोनों को जब इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने 1 टाइम्स x लिखना है और उसके ऊपर पावर्स को ऐड कर देना है 1+1, और ये नंबर हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x² इज इक्वल टू 15876। अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक हो गई है। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फाइंड असल में नंबर करना है x, तो सबसे पहले तो हम इसके साथ जो 9 है उसे हम हटाएंगे, तो उसे हम ख़त्म करने के लिए इसको लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड करा देंगे 9 को और राइट साइड पे भी डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास ये जो आपस में दोनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे 9 9। अब ये 9 इस 9 के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो बच जाएगा वो सिर्फ बच जाएगा x² इज इक्वल टू 1764। अब हमने इसको, हमें x² नहीं चाहिए, हमें जो हमारा जो नंबर है वो सिर्फ x है, हमने इसकी पावर को ख़त्म करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके रेडिकल्स में आ जाएगा, इसकी पावर्स हम ख़त्म करेंगे तो हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वेयर रूट ले लेंगे, तो इसको स्क्वेयर रूट के अंदर हमने ले लिया, तो इसके ऊपर एक्स के स्क्वेयर के ऊपर भी स्क्वेयर रूट आ गया और 1764 के ऊपर भी स्क्वेयर रूट आ गया। देखते हैं अब ये हमारे पास इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, तो हम इसे 2 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा और 1 जो रिमाइंडर है वो 6 के पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 16, तो 2 8 16, 2 2 4। नेक्स्ट फिर ये 2 से होगा, 2 4 8 2 4 8 एंड 2 1 2। आगे हम देखते हैं, अब ये 3 से हम इसको करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा और 1 जो रिमाइंडर है वो इसके पास आ जाएगा, ये 14 बन जाएगा, 3 4 12
और टू कैरी रिमाइंडर बच जाएगा वो टू के पास वन के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21, 3 7 ज़ा 21। अब इसको देखेंगे हम, ये फिर 3 से हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, वन कैरी चला जाएगा इसके पास, टू कैरी चला जाएगा तो ये 27 बन जाएगा, 3 9 ज़ा 27। अब 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसको राइट करेंगे, अब हम इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे। अब देखा आपने इसी तरह से x को 2 टाइम्स हमने लिखा है और हमने अंडर रूट के अंदर इसके भी हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। पेयर जब हमने बनाया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 7 का स्क्वायर हो गया, लेकिन जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो हम इनको सिंगल लिख लेंगे। जैसे हमने x को लिखा है तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास x का आंसर आ गया है 42। तो ये हमारे पास जो हमने खुद से लेट किया था x, तो वो जो नंबर है 1 वाला वो हमारे पास आ गया है 42। अब हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, नेक्स्ट नंबर हमने कहा था कि वो उन्होंने कहा था कि 9 टाइम्स ग्रेटर है, तो उसे हमने लिखा था 9x। इसका मतलब है कि हम 9 को 42x के साथ, x की वैल्यू लगाएंगे 42 और 9 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर भी आ गया है 378। तो हमारे पास अब ये दोनों नंबर आ गए हैं, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 42 एंड 378 आर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Find the lowest perfect square number that is divisible by 12, 16, 20 and 24. सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड हमने इसमें एक कोई ऐसा लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि इन चार नंबर्स पे 12, 16, 20 एंड 24 पे डिवाइड हो सके, या ये जो चार नंबर हैं ये पूरे पूरे इस उस नंबर पे डिवाइड हो सके और रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो हम सबसे पहले इनका इसको करने के लिए इसमें हम जो है वो इसका एलसीएम लेंगे, इन चार नंबर का हम एलसीएम लेंगे। तो अब हम इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं, 12, 16, 20 एंड 24 का एलसीएम लेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12 एंड देन फिर 2 से करेंगे। अब 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा एंड 3 1 ज़ा 3। अब सिर्फ 5 रह गया तो हम 5 से करना है, 5 1 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कंप्लीट हो गया क्योंकि 1 1 आ गया। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे, अब हम ये सारे लिखेंगे इसके फैक्टर्स। एलसीएम में हमारे पास क्या आया है, 2 आया 4 टाइम्स एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240। इसका मींस के 12, 16, 20 और 24 का ये जो चार नंबर हमें दिए हुए थे हमने इसको इसका एलसीएम ले लिया और इसका एलसीएम आया है 240। अब नेक्स्ट में हमने फाइंड क्या करना है, लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि हम पीछे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नंबर होता है हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि उनके जब हम पेयर्स बनाते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है कि जो पेयर में अपीयर नहीं हो रहा। तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 240 के। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 0 आ जाएगा नीचे इसके साथ, 2 3 ज़ा 6, 1 2 3 ज़ा 6 और 0 आ जाएगा साथ, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला जाएगा तो ये 10, 2 5 ज़ा 10। अब 15 आ गया तो 15 को 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। जब हमने इसके फैक्टर्स को लिखा है तो इसके फैक्टर्स में 2 आ रहा है 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके क्या बनाएंगे, ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं हम इसके पेयर्स बनाएंगे। हम इसके पेयर्स बनाना शुरू करते हैं, 2 2 का पेयर हमने बनाया, इस 2 का 2 के साथ पेयर बनाया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास
थ्री भी सिंगल नंबर है और फाइव भी सिंगल नंबर है, थ्री का भी पेयर नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास एक और थ्री नहीं है और ना ही हमारे पास एक और फाइव है, तो थ्री और फाइव जो है वो हमारे पास सिंगल नंबर हैं, तो हैंस थ्री एंड फाइव डू नॉट अपेयर इन पेयर्स। अब हम क्या करेंगे कि जो नंबर पेयर में अपेयर नहीं होता, ठीक है, अब फाइव और थ्री है तो फाइव को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा फिफ्टीन, तो हमारे पास जो फिफ्टीन हम लेंगे, अब हम हमारे पास नंबर आ गया है फिफ्टीन, अब हम फिफ्टीन को टू फोर्टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्टी सिक्स हंड्रेड आ गया, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमारे पास ये वो लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 12, 16, 20 एंड 24 इन चारों नंबर्स पे डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 794। इफ वन ऑफ द नंबर इज 13, फाइंड द अदर नंबर। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स, अब दो पॉजिटिव होल नंबर हैं, ठीक है, अब दो पॉजिटिव होल नंबर हैं, अब वो कह रहे हैं कि जब आप उन दोनों का स्क्वायर लेंगे उन दोनों नंबर्स का और उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे, सम मींस ऐड करेंगे, तो उन दोनों के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 794। अब हम नेक्स्ट हमें बता रहे हैं कि एक जो नंबर है वो 13 है, यानी कि एक नंबर उन्होंने हमें दे दिया है 13, तो हम कह लेंगे कि वन नंबर जो है वो हमारे पास 13 है, फाइंड द अदर नंबर। तो जो दूसरा नंबर है वो हमें नहीं पता, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो हम खुद से लेट करते हैं, ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने खुद से लेट किया है एक्स, तो इसमें भी हम एक्स लेंगे कि जो वन नंबर है वो 13 है एंड लेट द सेकेंड नंबर एक्स। तो अब हम इसमें भी यही करेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें चाहिए उसे हम लेट कर लिया एक्स, और जो हमारे पास जो हमें नंबर दिया हुआ है वो है 13। अब हम गिवन कंडीशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है जो भी मैंने आपको समझाई है कि वो क्या कह रहे हैं कि दो नंबर्स का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो अब हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, एक तो हमने खुद से जो है वो लेट कर लिया एक्स, मीन्स हम एक्स का स्क्वायर लेंगे, प्लस बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि इन्होंने सम का वर्ड इस्तेमाल किया है, प्लस सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 13, 13 का भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि दोनों का स्क्वायर लेना है और उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 794। इट मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 794। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक ये कंडीशन आ गई, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें 13 का स्क्वायर लेंगे, तो 13 का स्क्वायर मींस हमने 13 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 13 का स्क्वायर लेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 169। तो हमारे पास अब ये बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 169 इज इक्वल टू 794। अब हम देख रहे हैं कि हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले जो इसके पास जो नंबर जो इसमें प्लस हो रहा है हमने उसको ख़त्म करना है, इसमें नंबर प्लस हो रहा है 169। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम इसी नंबर से इसको माइनस कर देंगे, लेकिन हम जो एक लेफ्ट साइड पे जो काम कर रहे हैं वो हमें राइट साइड पे भी करना है, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड पे भी 169 माइनस कर देंगे और राइट साइड पे भी 169 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 169 माइनस 169 इज इक्वल टू 794 माइनस 169, तो 169 में से 169 आएंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे 794 में से 169 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 625। अब देन हमने इसका ख़त्म स्क्वायर आ रहा है, हमें तो सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास एक्स के ऊपर भी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का भी लेंगे और 625 का भी। तो अब हमारे पास 625 का हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उसी तरह से इनके पेयर्स बनाएंगे और इसको हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो 625 का बनाने के लिए हम इसको 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 वन ज़ा 5, वन रिमाइंडर जो बचा है वो 2 के पास आ गया 12, 5 टू ज़ा 10, 5 के पास आएगा तो 5 फाइव ज़ा 25। नेक्स्ट फिर हम इसे 5 से करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 2 रिमाइंडर बच रहे हैं वो 5 के पास आएगा 25, 5 फाइव ज़ा 25। नेक्स्ट फिर 5 से 5 फाइव ज़ा 25 एंड 5 वन ज़ा 5। तो अब हम इसके फैक्टर्स को इधर लिखेंगे,
हमारे पास ये एक्स स्क्वेयर आ रहा है, तो एक्स को जब हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि एक्स टू टाइम्स है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स टू टाइम्स है। तो 625 के हम फैक्टर्स लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो अब हम इसके जो है वो इसके हम लोग जो है वो पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। एक ये पेयर बन गया 5 का और एक 5 का ये पेयर बन गया, ठीक है। तो 5 के जो है वो 2 पेयर्स बन गए। अब जब हमें ये चीज़ पता है, जब हम स्क्वायर रूट से चीज़ बाहर निकालते हैं, जब हमारे पास ये 2 एक्स है, इनका 2 का पेयर है, तो जब हम इसे लिखेंगे, राइट करेंगे, तो ये सिर्फ 1 एक्स आएगा। जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसी तरह से एक्स आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम अंडर रूट को इन पेयर्स 5 के पेयर्स को बाहर निकालेंगे, तो फर्स्ट पेयर में से 1 एक दफ़ा 5 आएगा और सेकेंड पेयर में से भी एक दफ़ा 5 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या होता है, 25। तो एक्स का आंसर आ गया हमारे पास 25। इसका मतलब है कि जो हमें नंबर जो रिक्वायर्ड था, जो हमने नंबर फाइंड करना था, वो आ गया है 25। तो एक नंबर तो उन्होंने दिया हुआ था, और दूसरा नंबर जिसे हमने खुद से लेट किया था एक्स, और उसकी वैल्यू आ गई है 25। नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ गार्डनर विद 5770 प्लांट्स वांट टू अरेंज देम सो डैट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांट्स इक्वल्स द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। When he does so, he discovers that the number of plants falls short by 6. Find the number of rows the gardener wants to make. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गार्डनर के पास 5770 प्लांट्स हैं, और वो इन प्लांट्स को अरेंज करना चाहता है। वो अरेंज इस तरह से करना चाहता है कि जितनी वो नंबर ऑफ रोज बनाएगा प्लांट्स की, वो ये चाह रहा है कि हर रो के अंदर उतने ही प्लांट्स हैं। मींस कि अगर वो 3 रोज बना रहा है तो हर रो के अंदर 3 प्लांट्स आएंगे, अगर वो 4 रोज बना रहा है तो हर रो के अंदर 4 प्लांट्स वो रखना चाह रहा है। लेकिन जब वो ऐसे करने लगता है तो वो ये देखता है कि 6 प्लांट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अब हमने फाइंड ये करना है कि गार्डनर जो है वो कितनी रोज प्लांट्स की जो है वो कितनी रोज बनाना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स लिखते हैं सबसे पहले, तो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कितने हैं, 5770 नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। अब देखते हैं कि प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट के प्लांट्स कम कितने हुए हैं। प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास देख रहे हैं कि उसमें से इतने प्लांट्स जो हैं वो 6 प्लांट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, तो टोटल प्लांट्स जो हैं वो कैसे आएंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास आ गए हैं 5776। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए हैं, तो अब हम इनका 5776 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 5776 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो अब हम इसको 2 से करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, लास्ट में इसके 6 आ रहा है। 2 2s are 4 आ जाएगा, 1 कैरी आ गया, तो 2 8s are 16, फिर 1 कैरी आ गया, 2 8s are 16, 2 3s are 1 कैरी आ जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8 एंड 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 कैरी आ जाएगा, 12, 2 4s, 2 3s are, 2 6s are 12, 2 1s are 2, देन इस ये अब 19 से होगा, 19 19s are 3, 61, 19 1s are 19। अब हम इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे। इसके फैक्टर्स को हमने लिखा है, 2 हमारे पास आ रहा है 4 टाइम्स एंड 19 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, तो ये हमारे पास 2 2 का पेयर बन गया है, और ये 2 का 2 के साथ पेयर बन गया है, 19 का पेयर 19 के साथ बन गया है। तो ये अब हम इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो पेयर्स में जब हम लोगों ने इसको लिखा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है 19 का स्क्वायर। और जब हमें पता है कि जब हम अंडर रूट से ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास पेयर में से जो है वो सिर्फ एक 2 का पेयर है, तो इसमें से एक दफ़ा 2 आएगा, नेक्स्ट में भी 2 का पेयर है, एक दफ़ा 2 आएगा, 19 का पेयर है, तो फिर ये 19 आ जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 को 19 से करेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 76। इट मीन्स कि गार्डनर जो है वो कितनी नंबर ऑफ़ रोज बनाएगा, 76। तो नंबर ऑफ़ रोज जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 76 नंबर ऑफ रोज गार्डनर बनाएगा।
अब नेक्स्ट योर होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 7 इन योर नोटबुक्स। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक्स पे उतारने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।